वहीं छठ के दिन भी छठ पर्व को लेकर की जा रही दिल्ली सरकार की तैयारियां अधूरी नजर आ रही है। कहीं घाट कीचड़ से भरे हुए हैं तो कहीं घाटों पर कूड़े और कचरे की भरमार है। टोटल न्यूज की टीम ने छठ के दिन जब छठ की तैयारियों का गीता कॉलोनी घाट से जायजा लिया तो सरकार की तैयारियों की पोल खुल गई। छठ पर्व के लिए यमुना के घाटों पर किस तरीके की तैयारियां है उसका जायजा लेने के लिए इस वक्त हम दिल्ली के गीता कॉलोनी घाट पर मौजूद है और यहाँ पर छठ का जो पर्व है दोपहर के बाद शुरू हो जाएगा, लेकिन उससे पहले कैसी तैयारियाँ है उसकी तस्वीरें आपको दिखाएं तो आप देख सकते हैं कि जहाँ पर श्रद्धालु शाम के वक्त जहाँ पर पूजा अर्चना करेंगे उस पानी में, उस पानी की हालत आप देख सकते हैं कि ऐसा लग रहा है कि जैसे कि ये किसी गंदे नाले का पानी है, बिल्कुल इसका रंग जो है काला है। साथ में आप देखेंगे कि ये जगह भी पूरी तरीके से कीचड़ से लबालब भरी हुई है और इसी कीचड़ के बीच में श्रद्धालुओं को खड़े होकर आज जो है अपनी छठ की पूजा करनी पड़ेगी। आप यहाँ भी देख सकते हैं कि जो जगह यहाँ पर पूजा के लिए बनाई गई है इससे आगे जो श्रद्धालु है वो नहीं जा पाएंगे। यहाँ पर इस तरीके की बैरिकेटिंग की है बांस के जरिए और इस बैरिकेटिंग के इधर का हिस्सा आप देखेंगे तो कीचड़ और गंदगी से भरा हुआ है। कहीं पर हमको पानी में बोतल तैरती हुई नजर आ रही है तो कहीं पर कूड़ा कचरा यहाँ पर साफ तौर से देखा जा सकता है, कहीं पर पॉलिथीन भी नजर आ रही है। आप कहाँ से आए हैं? आप भी क्या छठ मनाएंगे शाम को? से है चार नंबर। ये इस हालत में छठ मनाएगा जी? नहीं, वो लोग प्रकस्ता लोग कह रहे हैं कि इसको सफाई करवाएंगे, लेकिन अब टाइम कहाँ बचा हुआ है? अब तो 3 घंटे टाइम बचा हुआ है तो क्या कर पाएंगे वो ही समझेंगे। आप लोग इस ऐसी तैयारी से संतुष्ट है? जी नहीं, जी नहीं संतुष्ट नहीं है। बहुत हम लोग सफाई किए हैं, अपने हाथ से सफाई किए। आपने खुद सफाई की है? हाँ। सरकार ने नहीं किया? जी नहीं, सरकार ने वो अपना जेसीबी से आए इधर उधर कर दिए, जो अपना जो था हम लोग खुद कर। आईटीओ पे कितना? यहाँ तो पानी कम है, कीचड़ ज्यादा है। पानी छोड़ने के लिए बोले हैं? हाँ, पानी छोड़ने के लिए बोले हैं तो 3 घंटे में पानी आ जाएगी। यहाँ पिछली बार बोला था तो बिल्कुल लोग भी सरकार की तैयारियों पर सवाल खड़े कर रहे हैं। लोगों ने साफ तौर से बताया कि उन लोगों ने भी अपने लिए घाटों को तैयार किया, खुद अपने हाथों से सफाई की है। हालांकि सरकार ये दावा कर रही थी, दिल्ली सरकार ये दावा कर रही थी कि इस बार 1000 से ज्यादा घाट जो है छठ पूजा के लिए तैयार किए गए हैं, लेकिन ये तस्वीरें सरकार की तैयारियों की पोल खोल रही है कि छठ से कुछ ही घंटे पहले ऐसी हालात में छठ के लिए जो तैयार किए गए हैं घाट वो नजर आ रहे हैं। तो जाहिर सी बात है कि इस बार जो छठ की आस्था है वो इसी कीचड़ और इसी गंदगी के बीच में खड़ी होकर छठ पूजा मनाई जाएगी। कैमरामैन मनमोहन के साथ कुलदीप शर्मा, टोटल न्यूज़ दिल्ली।